नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के किताबें मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। बुक कैफे का यह कार्यक्रम किताबों की जानकारी देने के बारे में है और इस सप्ताह हमें वाणी प्रकाशन से जो पुस्तकें मिली हैं मैं उनकी जानकारी आपको दे दूं। खुद से जीत सुंदरचंद ठाकुर की यह पुस्तक है। दक्षिण अफ्रीका में 90 किलोमीटर की विश्वविख्यात कॉमरेड मैराथन को जीतने पूरी करने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। यह उनका उस रोमांचक सफर का सफरनामा है। एक पुस्तक मिली है UPSC सिविल सेवा परीक्षा भारतीय समाज से संबंधित सामान्य ज्ञान अध्ययन एवं सामयिकी के 50 निबंध इस पुस्तक में हैं। ये नदीम हसनैन की पुस्तक है। यही पुस्तक अंग्रेजी में भी मिली है 50 Essays ऑन इंडियन सोसाइटी जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। नदीम हसनैन ने ये पुस्तक UPSC एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के लिखी है। इसमें प्रजनन व यौन अधिकार, पितृसत्ता, पुरुषत्व और भारतीय समाज, ऑनर किलिंग, वैवाहिक बलात्कार, मी टू आंदोलन, श्रम बल में महिलाएं, बहुसंख्यकवाद और लोकतंत्र, न्यायिक सक्रियता, इस तरह के तमाम विषयों पे निबंध हैं। वे समसामयिक विषय जिन्होंने भारतीय समाज को उद्वेलित किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक हमें प्राप्त हुई है जिसका नाम है अस्मिता का संघर्ष। अस्मिता का संघर्ष शशि थरूर की पुस्तक है। राष्ट्रवाद, देश प्रेम और भारतीय होने का अर्थ, यह अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है। इसका अनुवाद प्रभात मिलिंद ने किया है। अंग्रेजी की जो पुस्तक हमें वाणी प्रकाशन से मिली है उसमें कोट्स एंड हंगर ये एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं संजय पारीख। इसका फॉरवर्ड जो है जस्टिस MN वेंकट चलैया ने लिखा है। अंडरस्टैंडिंग द मैन मेड डिजास्टर एट कालाहांडी, बलंगीर एंड कोरापुट इन ओडिशा, ये उस पर लिखी गई पुस्तक है। बॉलीवुड की बुनियाद अजीत राय की ये पुस्तक है, यह भी हमें प्राप्त हुई है। इसके कवर से आप देख के जान सकते हैं कि बॉलीवुड में जिन फिल्मों ने बॉलीवुड का बुनियाद सृजित किया उनके बारे में यह पुस्तक है। एक और पुस्तक अंग्रेजी में अजीत राय की ही है, हिंदुजाज एंड बॉलीवुड। इन पुस्तकों के बारे में बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में आपको जानकारी मैं देता रहूंगा। इनमें से कुछ पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। साहित्य तक का यह कार्यक्रम किताबों की जानकारी देने के लिए है। हम आपको यह सूचना देने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकाशक ने कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की और प्रकाशित करने के साथ ही हमें बुक कैफे में चर्चा के लिए भेजी है। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।